सारे भाई ने भाई मेरी राम राम भाई। हमारे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम। आज जो मैं सारे कार्यक्रम देखने लग रहा हूँ, कार्यक्रम यूँ लगा जो कर भारत भाजपा 2024 का इलेक्शन जीतेगी। देखिए ऐसा नहीं है, तो वो तो अपने कामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में, अपने काम की वजह से, सारा अपने काम जैसे भारतीय जनता पार्टी के विकास के काम, आप देखें विकसित भारत संकल्प यात्रा कितना बड़ा अभियान है। ये मोदी जी का सपना है कि जितनी केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की, हमारी हमारे हरियाणा में जो प्रोग्राम चला, जितनी भी दोनों सरकारों की योजनाएं हैं, अंत्योदय आखिरी छोर की, गरीब से गरीब आदमी को उसका लाभ मिले, इस योजना के तहत में आपने देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हरियाणा के लगभग 6000 गांवों में लगभग कंप्लीट हो गया है। हमारे रोहतक में 145 गांव हैं, कंप्लीट हो गया। झज्जर में 250 के करीब गांव हैं, सब कंप्लीट हो गया है। और कोई गांव अगर रह रहा है, उसकी डिमांड है, तो उसमें भी सरकार प्रशासन सोच विचार करके उसमें भी टाइम देगा। तो ये कोई छोटा अभियान नहीं है। इन्हीं रास्तों से, इन्हीं बातों से, विकास, लोगों के लिए विकास, देश के लिए काम करना, देश को इंटरनेशनल नक्शे पर कहाँ पहुँचा दिया है। और आज सबसे बड़ा काम आपने देखा, 500 साल की जो तपस्या थी, 500 साल की जो देश की तपस्या थी, भक्तों की तपस्या थी, 1,00,000 लोग जो है शहीद हुए, उस पर कुर्बानियाँ दी, कार सेवकों की कुर्बानी, आज वो 500 साल का सपना देशवासियों के लिए पूरा हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, मोहन भागवत जी, योगीनाथ जी और सभी के द्वारा आज ये काम जो है संपन्न हुआ। एक बहुत बड़ा काम, कम से कम 40 पीढ़ियाँ गुजर गई होंगी, 40 पीढ़ियाँ, कितना बड़ा काम है, वो काम कंप्लीट हुआ। और पूरा देश एक जो है राममय है, पूरा देश है, पूरे देश के साथ साथ 70 देशों में भी इस प्रोग्राम को लाइव दिखाया गया। आज बहुत बड़ी बात जो है देश के लिए। मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियो ऐसी जो विदेशों में जो अंग्रेज थी वे भी गाड़ियों का पूरा लंगर लेके चल रहे थे, पूरा ही बड़ा पूरा तो पूरे विदेशों से मेहमान आए हैं जी, NRIs आए हैं, विदेशी आए हैं। उनकी आस्था है भगवान श्री राम के प्रति, आस्था है, देखा होगा आपने, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था, भगवान श्री राम के प्रति आस्था, विष्णु जी का अवतार है भगवान श्री राम, और उस आस्था के कारण ही 70 देशों में ये जो प्रोग्राम जो लाइव दिखाया जा रहा है, लोगों में बड़ा भाव है। अब देखें छोटा बच्चा, 6 साल के, 5 साल के बच्चे, और हमारे नौजवान, बुज़ुर्ग, महिलाएं, सभी, हर नागरिक, हर भक्त ये चाहता है कि किसी तरह से मेरा भी रामलीला की प्रतिष्ठा में इस योगदान हो, प्राण प्रतिष्ठा में मेरा भी योगदान रहे। कोई गा करके, कोई बच्चे श्रृंखला बना करके, कोई भजन गा करके, कोई कविता लिख करके, कोई कविता गा करके, हर तरीके से अपना भाव भगवान श्री राम के प्रति व्यक्त करें। ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में वैसे तो पूरा इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आम जनता यूँ जानना चाहूँगा, कांग्रेस तो यूँ को है कि भाई ना तो कोई मुहूर्त था, सिर्फ एक इलेक्शन के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा करेगी, ना शंकराचार्य, देखिए ऐसा है, शंकराचार्य तो खुद ही भगवान शंकर के किस्म से रूप हैं जी। और आप ये देखें आज का जो मुहूर्त था, एक भव्य मुहूर्त और बहुत ही अच्छी घड़ी का मुहूर्त था। संतों ने कहा है कि त्रेता में जब भगवान श्री राम पैदा हुए थे, वो इस मुहूर्त में पैदा हुए। बहुत बड़ा मुहूर्त था ये यार, इतना हर क्षण, एक एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड निकाल करके, कैलकुलेट करके, मतलब सेकंडों के हिसाब से कैलकुलेट करके मुहूर्त किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई मुहूर्त अपने हिसाब से निकाला गया। धन्यवाद जयंत, थैंक यू।